जो दुनिया के महापुरुष हैं वो कैसे पढ़ते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे बताया कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड। दरअसल आप डॉक्टर अंबेडकर के पढ़ने का तरीका अगर समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन पावर है। अगर इसको आप डेवलप कर लेंगे, एक काल्पनिक शक्ति है, एक वैचारिक शक्ति है, अगर इसको आप विकसित कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे कि पढ़ना कैसे होता है। दरअसल दो तरह की पढ़ाई होती है, एक तो होता है कि एक किताब से अक्षर को अक्षर पढ़ा आपने, बोला और काम खत्म हो गया, जो आपके ना मन में आया ना आपकी जानकारी में आया, बस बात खत्म हो गई। जैसे अखबार को पढ़ा हमने, जानकारी कुछ नहीं ली। और एक पढ़ना होता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली आया कहां से। जैसे बुद्ध शब्द है या बुद्ध शब्द कहें, पाली में शब्द बोलते हैं, तो बुद्ध शब्द बना कैसे। दरअसल ये जो बुद्ध शब्द है इसके मायने क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये पहली बार कब बना, इसका उद्गम कब हुआ, इसका विकास कब हुआ, इसके बाद में जो बौद्ध शब्द है वो कब आया, उसका उद्गम कब हुआ, कैसे हुआ, जो चीवर शब्द है उसका उद्गम कैसे हुआ, वो कब बना, और चमार शब्द है, चीवर से चमार बन गया तो ये अचानक कैसे बना, कहां पहला वाला चीवर चला गया और कहां अब वाला चमार आ गया। ये शब्दों के उद्गम बताते हैं कि किसने इनको तोड़ा, किसने मरोड़ा। आप सबसे पहले किसी शब्द के डेवलपमेंट के बारे में, उसके पैदा होने के बारे में जानकारी रखिए, इन्हीं शब्दों के बारे में नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध जितनी भी चीजें बताते थे जड़ से बताते थे। और बाबा साहब ने कहा है कि सब चीज का अध्ययन करना है, सबका अध्ययन करना है, मतलब अपने वेलफेयर में, अपनी मेरिट में, अपनी योग्यता में, अपने काम में, अपने लाभ के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए जो शब्द पढ़ रहे हैं वो, और जो अपने विनाश में, जो आपको अपने को खराब करने के लिए, जो अपने को नुकसान करने के लिए, जो अपने को हानि करने के लिए, जो अपने को लॉस करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको भी पढ़ना है। क्योंकि आपने बाढ़ का पानी दोनों तरफ से रोकना है, घर से निकालना भी है और बाहर बांध भी बनाना है। आप खाली घर से निकालते रहे तो पानी आता रहेगा तो उसमें मशगूल हो जाएंगे, और आपने खाली बांध अगर बना लिया और घर से नहीं निकाला तो घर का पानी रहेगा। तो दोनों काम आपने करने हैं, अपने शब्दों के बारे में पता करना है और जो शब्द हानि पहुंचा रहे हैं उनके बारे में भी। तो किसी शब्द की किसी वर्ड की सही जानकारी के लिए सबसे पहले उसके विकास को ढूंढिए। पहली बार ये शब्द आया कब, जैसे भारत शब्द है, भारत का मतलब है भारत यानी आभा में रत रहने वाला, तो भारत शब्द कब से बना है। और महाभारत का मतलब क्या है, बड़ा भारत यानी बड़ा जिसमें आभा है और जो आभा में रत रहता है, जो आभा में रत साए लोग रहते हैं। तो सम्राट अशोक के बाद इसका महाभारत पड़ा, क्योंकि बड़ा भारत तो तभी था, नाम बताता है इसकी रचयिता सम्राट अशोक रहे हैं, इसकी जो क्रिएशन है। और छोटा कब हुआ, जब वो चले गए और उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा तो वो छोटा हो गया, फिर महा खत्म हो गया, खाली भारत रह गया और अभी तक चल रहा है। तो छोटे छोटे शब्द आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, जिस शब्द की जानकारी ना हो वो बेकार है। तो आपने कैसे पढ़ना है, जब आप किताब पढ़ें या रीडिंग करें तो आप उसमें एंटर कर जाइए। जैसे किताब, जैसे मान लो समझ रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर के समय की कोई वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, तो आप खुद ही उसमें डॉक्टर अम्बेडकर बन जाइए और डॉक्टर अम्बेडकर कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, फिर उसको रीड कीजिए, फिर उसको अध्ययन कीजिए और उन्हीं हालातों में अपने आप को पेश करिए कि अब सभा के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ये बोल रहे हैं तो ऐसे मैं ही बोल रहा हूं, और इस शब्द का मतलब जो डॉक्टर अम्बेडकर उस समय बोले तो क्या इस शब्द का मतलब उस संदर्भ में रहा है, ये बात अगर बोली है तो उनके मन में क्या चला और जनता को देख के क्या बात बोली है। जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से शब्दों के रेफरेंस कुछ और होते हैं। एक महापुरुष जो 30 साल पहले एक शब्द की जानकारी देता है और 30 साल बाद जो देता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, इसलिए बाद वाली जानकारी ज्यादा ऑथेंटिक और सच्ची होती है। अगर कभी दो जानकारी आ जाए तो उन जानकारियों में ये देखो कि पहले कौन सी जानकारी दी थी और बाद में कौन सी है, तो पहली वाली जानकारी को छोड़ दो और बाद वाली जानकारी को एडॉप्ट कर लो और फिर आगे उसमें खोज में लग जाओ। शब्द कैसे, कब, कहां, क्यों, किसने बनाया, यानी किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, किसके लिए बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। किससे मिलके बना, किस भाषा में बना, कैसे बोला गया, कैसे इस्तेमाल किया, उसे इंपॉर्टेंट है। जो बाहर से लोग आए उनके लिए क्या माने रखता है, जो यहां के लोग थे उनके लिए क्या माने रखता है, इंपॉर्टेंट है। शब्द की यात्रा कैसी रही, शब्द अपनी हिस्ट्री खुद बताता है, पहले क्या था, अब क्या था, अब क्या था, अब क्या है। जैसे सुज्जति शब्द है, सुज्जति जो शब्द है आपने सूझबूझ वाला सुना होगा, बड़े सूझबूझ से ये काम करता है,
सुज्जति और बुज्जति ये दो शब्द हैं पाली के, मगर सुज्जति शब्द लगभग गायब हो चुका है, मगर सूझबूझ चलता है। इसका मतलब सूझबूझ से सुज्जति शब्द की माने आते हैं, कई पाली की जो मूल भाषा है उनमें भगवान बुद्ध के द्वारा उनमें आया हुआ है। सुज्जति का मतलब क्या है? सुज्जति का मतलब है कि इसको शुद्ध करता है, शुद्धि करता है, शुद्धि बना हुआ है, यानी सुज्जति करता है, शुद्ध करता है, शुद्ध से बाद में बना शुद्ध करता है, शुद्ध से बना शुद्ध करता है, फिर इसको शुद्र किया और शुद्ध से शुद्र किया, यानी सूझ वाला जो व्यक्ति है, यानी कि जो प्योरीफाई करता है, प्योरीफाई व्यक्ति से करते करते शुद्ध बना। तो शब्द बताता है कि जो प्योर लोग होते हैं वो शुद्र हैं, आज के शूद्र, शुद्ध, शुद्ध, शुज्जी, सुज्जति, सुज्जति, तो ऐसे बनता है। और बुज्जति क्या बनता है? बुज्जति का मतलब है जानकारी देता है, जानकारी से समस्या करता है, तो बुज्जति है। तो बूझ बनाए, कहते हैं पहली बूझो, यानी पहले की जानकारी बताओ, बूझना, इससे बूझना, तो समझ बूझना शब्द बना हुआ है। तो यात्रा बताता है शब्द की। अब सुज्जति और सुज्जतु गायब है और थोड़ा बहुत रह गया है, तो शुद्धि रह गया है, और शुद्धि का भी शुद्धि बना दिया है, और शुद्धि का शूद्र बना दिया है। तो कैसे यात्रा करोगे? तो समझना पड़ेगा कि कैसे आया और कैसे चला गया। जैसे अच्युत शब्द है, अच्युत का मैंने बताया था कि अछूत से बना हुआ है, यानी कि जो गिरा हुआ नहीं है, अच्युत यानी कि जो नीचे नहीं गिरा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है, तो निपान पद को बोलते हैं, छोटी छोटी भाषाएं। इसलिए पाली को पढ़िए और पाली में एंटर कर जाइए, और पाली में एंटर करेंगे इस, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो पाली भाषा है उसका डॉक्टर अंबेडकर ने 16वां वॉल्यूम दिया हुआ है, इंग्लिश का 16वां वॉल्यूम पूरा पाली की डिक्शनरी है। बाबा साहब अंबेडकर जो दूसरे नंबर के विद्वान है भगवान बुद्ध के बाद के, पाली का अगर वो 16वें वॉल्यूम में आपको देकर जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब, कोई मीनिंग है। कोई विद्वान आदमी कोई किताब लिखता है तो कोई मतलब होता है उसका, उसमें सब एक एक शब्द है, और दुनिया भर में पाली बहुत पढ़ी जा रही है। तो आप इस यात्रा को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन सा लुप्त है, कौन सा विलुप्त है, कौन सा संयुक्त है, कौन सा वियुक्त है, कौन सा शब्द जुड़ गया, कौन सा घट गया, कब तोड़ा, कब मरोड़ा, कब उसको एक्सेंट बदला, कब उसका बोलना बदला, कब उसकी भाषा बदली, कब लिखना बदला, कब उसकी मात्राएं बदली, कब उसका एक शब्द हट गया, कब उसमें शय जोड़ दिया, कब उसमें अड़े हटा दिया, कब उसमें निगेत जो टंग वाला है वो हट गया, क्या क्या उसमें लगा, क्या क्या नहीं लगा। यात्राएं होती हैं, इसकी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये खाली भाषाविदों का काम नहीं है, ये हर व्यक्ति का काम है कि जब वो किताब पढ़े तो उसे समझ में आना चाहिए कि वो कैसे पढ़ रहा है। सब्जेक्ट चाहे आपका कोई भी हो, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, जब भी पढ़ें उसमें एंटर कर जाएं, उसमें घुस जाएं किताब के अंदर और वही बन जाएं। अगर मेटल पढ़ रहे हैं तो मेटल बन जाएं, और अगर फिजिक्स, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल बन जाएं, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर बन जाएं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां एंटर कर जाएं उस मैदान में, अगर आप पाली पढ़ रहे हैं तो शब्द बन जाएं, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के शब्द बन जाएं, तो फिर वो भाषा तुरंत आपके गले में उतरती चली जाएगी। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने,
धम्म आपको खूब लाभ लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.